Hello everyone, how are you? Well guys, मैं पनीर और यू कैन सी दिस इज मशरूम एंड दिस इज मटर तो पनीर मशरूम एंड मटर रेसिपी मसाला बनाने वाला हूँ. सो मैं पहले तो पनीर को देख सकते हो या फ्राई कर लियो ना. अब मैं मशरूम को फ्राई करूँगा. या मैंने पनीर को निकाल लिया, अब मैं देख मशरूम डाल रहा हूँ, है ना. ये देख तो यार मैंने मशरूम भी डाल दिया है और मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ. देखो यार, ऐसे तो पिछली बार बनाया था तो मैं फ्राई नहीं किया था. बिना फ्राई करके भी पॉसिबल है, बनाया जा सकता है, बनाते हैं और अच्छा भी लगता, बहुत अच्छा बना था. लेकिन इस बार मैंने सोचा थोड़ा फ्राई करके बनाऊँ. तो सेम विथ पनीर के साथ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्राई करके ही बनाना है, ऐसे भी बना सकता हूँ. तो इस बार मैं दोनों को फ्राई करके बनाऊँ. पिछली बार मैंने दोनों को फ्राई नहीं किया था तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है. जस्ट मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट कर दिया हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, राइट. देख लो ये थोड़ा पानी वानी छोड़ता है ना, तो जब मैं हो जाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो मशरूम मैं फ्राई कर रहा हूँ. देखो ये देखो कितना पानी छोड़ रहा है ना, ये देखो, है ना, वाटरी हो गया थोड़ा. ये देखो अब मैं इसको निकालने वाला हूँ, ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगा. आई थिंक इट्स फाइन टू ब्रिंग आउट फ्रॉम दिस कढ़ाई, राइट. तो यार तुम देख सकते हो मैंने इसको रोस्ट कर दिया और मैं निकाल चुका हूँ. अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं फ्लेम को कम करूँगा, है ना, थोड़ा सा मीडियम रखता हूँ. अब मैं इसमें क्यूमिन डालूँगा, ये देखो, क्योंकि बहुत ऑलरेडी हॉट है. अब मैं इसमें प्याज व्याज थोड़ा सा डाल देता हूँ ना, प्याज डाल देता हूँ. थैंक यू. हमें थोड़ा सा बस वो प्याज को अच्छी तरह से काटते करेंगे तो भूलता हूँ ना. जब तक ये थोड़ा ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तब तक मैं इसको सौते करूँगा, इसको मैं कढ़ाई में रखूँगा और इसको आई विल कीप दिस प्याज टू बी बर्न टिल गोल्डन ब्राउन कलर, राइट. तो अभी तो डाला है, थोड़ा सा वेट करते हैं. मीडियम फ्लेम पे बनाने की चीज़ें अच्छी बनती हैं क्योंकि मीडियम फ्लेम पे चीज़ों को रॉ फ्लेवर नहीं आता, अच्छे से प्रॉपरली कुक हो जाता है, है ना. तो ये देख सकते हो यार मैंने इसको निकाल रखा है और उसके बाद मैं डालूँगा उसको पोटैटो डालूँगा. पोटैटो नो, इट्स टोमेटो. यू नो आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज विद पोटैटो एंड टोमेटो. इट्स राइमिंग, इट्स लाइक सेम टाइम ऑफ राइमिंग सम्स ना, पोटैटो टोमेटो, राइट. अभी आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया, इवन हो गया. आई थिंक इट्स फाइन टू एंड इट्स राइट टाइम टू पुट वॉट पोटैटो, नो इट्स टोमेटो. सो आई एम गोइंग टू पुट इट, जस्ट वेट फॉर 5 मोर सेकेंड. इट्स फाइन टू, या आई एम गोइंग टू पुट टोमेटो. मैंने इसके लिए 4 टोमेटो को डाला है. इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगा. क्यों डालूँगा, जिससे ये कुक फास्ट हो थोड़ा और जो टोमेटो है थोड़ा सॉफ्ट जल्दी हो जाए. अदरवाइज दिस इज टोमेटो विल गोइंग टू टेक मोर टाइम देन विदाउट सॉल्ट, राइट. मैं थोड़े से इसको कवर कर देता हूँ जिससे फास्ट हो जाए. यार इसके बाद मैं मसाला डालने वाला हूँ. मसाला में मैंने क्या डाला है, इसमें मैंने डाला है क्यूमिन डाला है, कोरिएंडर डाला है, जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा ऑनियन भी डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और क्या डाला हूँ मैं, हाँ बे लीव्स भी थोड़ा थोड़ा डाला है. बस इतना ही डाला है ना. देखो इसको मैंने फाइनली ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है. इसके बाद मैं इसको डालने वाला हूँ और मीडियम फ्लेम पे ही इसको प्रॉपरली
कुक करूँगा सो दैट इज़ ऑफ फ्लेवर ना आए, है ना। मैनी टाइम क्या हो जाता है कि हम कुक करते हैं और प्रॉपरली कुक नहीं करते तो रॉ फ्लेवर आते हैं, तो मैं रॉ फ्लेवर नहीं चाहता। आई वॉन्ट दिस रेसिपी एज डिलीशियस एज इट शुड बी, दैट्स वाई आई विल कीप ऑल द थिंग्स इन ए डिसेंट वे, राइट। यार अब लीड हटा कर देखते हैं, है ना, कैसा आ रहा है। वाओ, ये देख सकते हो सॉफ्ट हो गया है, तो यही फ़ायदा होता है सॉइल डालने से, फास्ट कुकिंग हो जाती है, फास्ट ये अच्छी तरह से प्रॉपरली बल जाता है, है ना। नाउ इट्स टाइम टू पुट मसाला। मसाला कल मैंने जैसे काजू भी घी रखा है, तो काजू भी डाल लेना, तो उसको पेस्ट बनाऊंगा मैं भी थोड़ी देर में, फिर मैं मसाला इसके अंदर डालता हूँ। सो ठीक है यार, मसाले डाल दिया हूँ, थोड़ा सा मैं और फ्लेम को थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा, और मैं इसी फ्लेम को 5 मिनट तक इसको प्रॉपरली पकने दे रहा है ना, एंड नॉट इन हैस जल्दबाजी नहीं करने वाले, इसको थोड़ा सा इसको पकने दे रहा है ना। वाओ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है अभी से ही, जिसकी भी तो प्रॉपरली पका नहीं है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही अच्छी दिख रही है, देख सकते हो यार, बोलने वाली चीज़ नहीं है, देखने वाली चीज़ है ना। तो मैं इस बीच में मैं क्या करूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा ये जो काजू है ना, काजू को ग्राइंड करूँगा। काजू मशरूम की जब भी सब्ज़ी बनाओ तो काजू डालना, एक अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, तो डालना चाहिए, मैं तो डालता हूँ, अगर डालोगे तो अच्छा एक फ्लेवर आता है, अगर नहीं है तो इट्स फाइन टू नॉट टू, लेकिन है तो ज़रूर डालो। यार मैंने देखो काजू की पेस्ट बनानी, बहुत ही फाइनली इसको ग्राइंड किया है, तो मैं भी फाइनली ग्राइंड करना है, एक बार फिर बोल रहा, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो, अगर नहीं है तो ज़रूर डालो, इससे अच्छा एक फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, ये देख ही सकते हो। और मैंने अभी देखो थोड़ा सा मैं इसको चला देता हूँ, थोड़ा सा चिपक रहा है, नॉन स्टिक पैन तो है नहीं, है मेरे पास, लेकिन कढ़ाई में ही अच्छा बनता है, इसमें भी अच्छा बनता है, लेकिन मैं इसमें ही बनाना प्रिफर करता हूँ, राइट। Trust me, यार, what a flavor is coming! Wow! अभी मैं इसको 2 मिनट और पकने दूंगा, उसके बाद मैं इस जो काजू है उसको मैं डालूंगा, उसको फिर साथ में पकने देंगे 2-3 मिनट, राइट। उसके बाद मैं मटर डाल दूंगा, उसके बाद फिर थोड़ा पकने देंगे, फिर मशरूम ये डाल देंगे, फाइनली देखते हैं आगे, है ना। यार मैंने काजू की पेस्ट देखो डाल दिया है ना, अभी जस्ट डाला है, तो एक क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ रहा हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको पकने दूँगा साथ में, है ना, इसको पकने दूँगा, ये देखो वाओ क्या है, व्हाट कंसिस्टेंसी, व्हाट फ्लेवर इज कमिंग, वाओ। सो इसको मैं कुक होने देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसमें ये देखो थोड़ा सा मैं पानी डालूँगा, है ना, इसमें चिपक भी गया है, तो इसको अच्छी तरह मैं डाल देता हूँ, यार हल्का सा पानी डालूँगा, है ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही थिक हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही स्टिक ना हो, तो फटाफट से प्रॉपरली कुक हो इसको डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मटर डालूँगा, उसको तो ढक दूँगा, है ना, मटर डाल दिया मैंने, ज़्यादा मटर मैंने नहीं डाला, ज़्यादा कुछ नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मशरूम भी और पनीर का मैं टेस्ट लेना चाहता था, है ना। यार मैंने इसको ढक दिया, 2-3 मिनट इसको कुक होने देते हैं, है ना, लेट देम कुक। यार लाइट चली गई, एनीवेज
ठीक है सफिशेंट है, तो थोड़ा चिपक रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा इसमें मशरूम और पनीर डाल देता हूँ, डाल देते हैं आपको मिलाऊँगा 2-3 मिनट आराम से। मैं इसको प्रॉपरली मिला लेता हूँ, है ना। चल अब मैं इसमें टर्मरिक डाल देता हूँ, ठीक है। मिर्च सब मैंने मसाले में ही डाल रखा था ना, तो अलग से डालने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टिकिंग नाउ इट्स टाइम टू पुट वाटर ऑन इट, या अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगा। वाओ वाओ, इट्स गोइंग टू डिलीज दैट फॉर श्योर। थोड़ा सा मैं और पानी डालना चाहूँगा, थोड़ा मुझे लिक्विडिस और चाहिए, है ना, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा पानी और डालना चाहूँगा। अब मैं अच्छे इसको प्रॉपरली स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालना चाहूँगा, उसमें इतना सॉल्ट नहीं आया था, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दिस अमाउंट। सॉल्ट डाल दिया मैंने, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें गरम मसाला डालूंगा। सो दिस इज माई गरम मसाला, दिस मच ऑफ फॉर दिस इज फाइन, या अच्छी तरह मैं इसको स्टे कर देता हूँ, मिक्स हो जाए अच्छी तरह, है ना। चलो तो मैं इसको स्टेयर कर दिया है, अब मैं इसको ढक दूंगा एंड आई विल कुक दिस फॉर 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस, राइट। 10 मिनट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर दिस, राइट। वेल गाइस, मैंने लीड हटा दिया है और दिस मच ऑफ कंसिस्टेंसी आई वांट, इससे और ड्राई मैं नहीं चाहता हूँ, इतना लिक्विड मेरे लिए ठीक रहेगा, राइट। सो wow, what a flavor, what a flavor is coming, oh my god, I can't tell you how delicious it is, wow। So yaar maine 5 minute ke liye isko chhod deta hu, uske baad main, oh my god, I'm going to eat with paratha, right। वेल गाइस, 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको एक बोल में निकालने वाला हूँ और मैं खाऊंगा और देखता हूँ कैसा इसका टेस्ट आया है। चलो यार, एग्ज़ाम तो दे दिया, मतलब पनीर मशरूम और मटर बना तो दिया, लेकिन रिज़ल्ट कैसा आया है। एक्चुअली दिस डिज़र्व टू बी अ गुड वन और एवरेज वन और व्हाट द फक इज़ दिस, राइट। सो लेट्स सी एंड ट्रस्ट मी, मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगा कैसा बना है। ओ माय गॉड, आई कांट, माइक भी तुम्हें लग रहा हो या झूठ बोला, लेकिन इतना बढ़िया बना नहीं, एक नंबर ब्रो, एक नंबर। वंस अगेन आई एम गोइंग टू ईट, वाओ, दिस मशरूम पनीर मटर मसाला रेसिपी, दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी आई हैव एवर ईटन टिल डेट। और ये इसलिए नहीं बोला जिसे मैं बनाऊँ, रियली बहुत अच्छा बना यार, रियली बहुत बहुत बहुत। मुझे लगता है सबको ये सेम फॉर्मेट कॉपी करना चाहिए और बनाना चाहिए, अनबिलीवेबल। ओके, लेट मी ईट इट आउट विथ
आलू के पराठे। ओह माय गॉड यार, बहुत अच्छा बना है, कैसे बताऊँगा। एनीवे, इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू बिलीव इट और नॉट, टोटली अप टू यू, बट बिकॉज दिस रेसिपी इज सो डिलीशियस दैट आई कांट इवन वेट टू मेक मोर वीडियो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट, थैंक यू सर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़, और सेम फॉर्मेट फॉलो करो। बहुत अच्छा बना है, ट्रस्ट मी।